हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मूल कंसेप्ट। स्टूडेंट्स का बार बार ये क्वेरी रहता है कि ये मूल कंसेप्ट बहुत हार्ड है, बट बिलीव मी इट इज़ एज इजी। अगर आपको मालूम है कि एक दर्जन केले कितने होते हैं तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे इट इज़ 12। मैं कहूँगा एक सेंचुरी कितना होता है तो आप कहेंगे 100। अगर आपको ये समझ में आता है कि 1 dozen के बनानास इज इक्वल टू 12 1 एंड 1 century इज इक्वल टू 100 एंड यू आर हैविंग नो कन्फ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, देन डेफिनेटली बिलीव मी टुडे आपको मूल कंसेप्ट भी कुछ ऐसा ही लगेगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं मूल कंसेप्ट से, लेकिन मूल कंसेप्ट को समझने के पहले हमको 3 questions के जवाब बिल्कुल देते आना चाहिए। वॉट आर दो 3 questions? द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 mole ऑफ अ सब्सटेंस, 1 mole ऑफ अ पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल एक एटम हो सकता है, पार्टिकल एक मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल एक आयंस हो सकता है। अगर हम ये आंसर 3 questions के आंसर दे पा रहे हैं तो बिलीव मी यू विल बी इजिली एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मोल। 1 mole इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स? पहली बात क्या कहा मैंने, 1 mole इज इक्वल टू हाउ मेनी पार्टिकल्स। दूसरी बात, 1 mole अगर मेरे पास है तो उसका मास कितना होगा? और तीसरी बात, ये 2 मैंने स्टार बनाए यहां पर। ये स्टार क्यों बनाए? क्योंकि जो भी स्टूडेंट 9th में है सीबीएसई में, दे शुड बी एबल टू आंसर दिस 2 questions। थर्ड वन इज नॉट इन द सिलेबस, बट स्टिल देन आई एम मेकिंग इट श्योर दैट आई कंप्लाई विद द थर्ड पार्ट ऑल्सो, बिकॉज वो थर्ड भी इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। सो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन अ 1 mole? फर्स्ट, हाउ व्हाट इज द मास ऑफ 1 mole of the particles, and last, what is the volume of 1 mole of a gas? तो अब हम इसको आंसर देने के पहले सबसे पहले एक नंबर को ध्यान रख लेते हैं जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जो है जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या कहा मैंने? एवोगैड्रोस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और याद रखिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका इसका मैग्नीट्यूड है, मेजरमेंट है, इसका नंबर है 6.022 × 10²³। यानी व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? 6.022 × 10²³। वो एटम्स हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और वो आयंस हो सकते हैं। लेकिन अब मैं डायरेक्टली मेन पार्ट में जाता हूं। हाउ मेनी पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट 1 mole ऑफ एटम, 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 mole ऑफ आयंस? तो याद रखिएगा, अगर मैं चाहता हूं कि 1 mole ऑफ कार्बन एटम कितने एटम होते हैं, रिमेंबर द वर्ड आई टोल्ड यू, कार्बन एटम्स। तो अगर 6.022 × 10²³ एटम्स, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन दिस थिंग, बिकॉज अगर मैं बोल रहा हूं एवोगैड्रोस नंबर, आई मीन दिस वैल्यू। तो अगर इतने एटम्स इकट्ठा हो गए तो हम बोलेंगे 1 mole ऑफ कार्बन एटम इकट्ठा हो गए। दूसरी बात, 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम। नाउ अभी हमने बात की थी कार्बन एटम की, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीजन एटम। अगर 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे तो वो कितने होंगे? तो अगेन द सेम नंबर। अगर इतने एटम्स, इफ दिस मच एटम्स ऑफ ऑक्सीजन गेट टूगेदर, देन वी विल से दे आर 1 mole ऑफ द ऑक्सीजन एटम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 mole ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल। What is water? Water is actually in the molecular state, H2O. So, it is, अगर 6.022 × 10²³ molecules अगर इकट्ठा होते हैं water के, तो हम कहेंगे कि 1 mole of water इकट्ठा हो गया। यानी, to recap, 1 mole of anything is equal to Avogadro's number assembled together. पहली बात। दूसरा, अब हमारे सामने में दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे पता चल गया है कि एवोगैड्रोस नंबर के एटम्स इकट्ठा हो गए तो वो 1 mole होते हैं, लेकिन उनका 1 mole का मास कितना होता है? तो याद रखिए, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा चीज जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 20 एलिमेंट्स तक आपको एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। हु इज द 20th एलिमेंट? दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम, द एटॉमिक मास इज 40, एटॉमिक नंबर इज 20। देयर आर 2 थिंग्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम विच इज द 20th एलिमेंट, राइट, दैट इज इक्वल टू 40। अब हम देखते हैं
कि मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल कितना होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन, तो याद रखिए, रिमेंबर, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, यानी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू वन मोल ऑफ कार्बन। लेकिन अगर हम बात करेंगे वाटर की या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इसका मतलब होता है कि अगर 16 ग्राम्स ऑक्सीजन असेंबल हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो दैट गिव्स यू वन मोल। लेकिन अगर हम बात करेंगे वाटर, वाटर इज अ मॉलिक्यूलर स्टेट, तो वाटर H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन एटम है 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, 2 प्लस 16 गिव्स यू 18, यानी अगर 18 ग्राम्स वाटर के इकट्ठा हो गया, 16 ग्राम्स ऑक्सीजन एटम के इकट्ठा हो गए, या 12 ग्राम्स कार्बन के इकट्ठा हो गए, दे ऑल विल कंस्टिट्यूट वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, वन मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बट द कॉमन थिंग बिटवीन ऑल ऑफ देम इज कि उनमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। इन दिस केस ऑफ कार्बन इतने एवोगाड्रोस नंबर, इन द केस ऑफ ऑक्सीजन एटम अगेन दिस मच, इन द केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिस मच। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको आता है वन मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, रिमेंबर ऑक्सीजन गैस इज नॉट इन एटॉमिक स्टेट, इट इज नॉट इन एटॉमिक स्टेट, इट इज इन द मॉलिक्यूलर स्टेट। तो अगर वो मॉलिक्यूलर स्टेट है तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, विच इज O2, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 16 × 32। तो ऑलवेज रिमेंबर 32 ग्राम्स विल बी इक्वल टू वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बट अगेन इट विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। मैं बार बार आपको रिपीट करते जा रहा हूँ, जब भी आप मोल का शब्द याद कर रहे हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस एवोगाड्रोस नंबर, जो मैंने अपनी पहली वीडियोज में हमने डाला है, रखा है इसके साथ में, कि एक्चुअल में ये नंबर 6.022 × 10⁻³ क्यों आया। तो दैट यू शुड सी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट ऑफ मोल कंसेप्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमें मालूम है कि वन मोल ऑफ एटम्स कितने एटम पार्टिकल्स होते हैं, वन मोल ऑफ एटम्स का मास कितना होता है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए वन मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस। लेकिन याद रहे, इसके साथ में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा आपके सामने में, इट इज एट STP. STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ऑलवेज रिमेंबर इट इज 0 °C, और आप इसको 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। लेकिन व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रेशर, तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, फिजिक्स में भी पढ़ा था, इट इज 760 mm ऑफ Hg. Hg माने मरकरी, इट स्टैंड्स फॉर मरकरी। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रेशर, दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इज इट ओके? थैंक यू।